सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले आर न्यू टैब डेट इज सैमसंग गैलेक्सी S9 FE प्लस टैब के बारे में। जितना बड़ा इसका नाम है इतने ही बड़े बड़े और फुल्ली लोडेड ये फीचर से हमारा ये टैब आता है। इस वीडियो में हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग, साथ साथ में आपको बताऊंगा इस एक टैब में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं और किस एक बेस्ट प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हो, और स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि ये टैब किन बच्चों के लिए बोल सकते हैं या किन ऑफिशियल वर्कर के लिए, मतलब कि किस पर्सन को ये वाला टैब, जो ये वाला वेरिएंट है, ये बाय करना चाहिए। सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस इज आर टैब गैलेक्सी टैब S9 FE प्लस। सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स, आपका कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स मिलने वाला है। बड़ा ही आपका स्लिम सा ये बॉक्स है, और इसमें जो अगर आप कंटेंट की बात करें आप यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो नेट क्वांटिटी 1 यूनिट इसके अंदर आती है, और प्राइसिंग की बात हम वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपको सब कुछ मिल जाता है, एक आपको यहाँ पर टैब मिलेगा, एस पेन इसके अंदर मिलेगा, यूज़र मैनुअल, और वो सब कुछ हम इसके अंदर चेकआउट करेंगे। चलो अनबॉक्स करते हैं। तो कुछ इस तरीके से सिंपल मैंने पहले से कटआउट कर रखा है, कुछ इस तरीके से हमारे पास इसमें बॉक्स कंटेंट आ जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टैब, जो कि हमारे को कुछ इस तरीके से पैकिंग में आ जाता है। मैंने इसको पहले से ही ओपन कर रखा है, चला के भी मैंने ऑन अराउंड मेरे को 1 मंथ हो गया है इसको यूज़ करते हुए। मैं इसका 1 मंथ का रिव्यू भी एक नेक्स्ट वीडियो, मतलब एक सेपरेट वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ। सो ये कुछ हमारे इस पर बॉक्स कंटेंट आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास एस पेन आपको उसी कलर का मिलने वाला है जिस कलर का है आप जो टैप है वो परचेज करोगे। ये एस पेन आ जाता है। कुछ हमारे पास कंटेंट आ जाते हैं, जैसे सबसे पहले आ जाती है हमारे पास एक बॉक्स जिसके अंदर हमारे पास आने वाली है केबल मैंने अलग से निकाल कुछ दिस इस तरीके की हमारे पास एक केबल आ जाती है। और जो चार्जर है वो जो अडेप्टर है वो आपको बाहर से खरीदना होगा, जो कि इसमें 45 वोल्ट तक का जो चार्जर है वो आप सपोर्ट कर सकता है। आप मतलब कि जो चार्जर अगर आपको बाय करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे बात, हमारे पास ये बॉक्स आता है जिसमें आपके कुछ अंदर आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क है, जो कि इसमें यूज़र मैनुअल और ये सब चीज़ें आती हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल, ये सब कुछ आपको मिल जाता है बॉक्स कंटेंट में। सो कुछ इस तरीके से हमारे पास टैब आ जाता है। सबसे पहले इसको अनरैप कर लेते हैं। मैंने इसको स्टार्टिंग में यहाँ से मतलब बोल सकते हैं फाड़ दिया था, लेकिन इसको ओपनिंग जो होती है उसको सही तरीके से यहाँ पर होती है। अगर हम इसको टैब को निकालें तो कुछ इस तरीके से इसका फर्स्ट व्यू आता है, डेट्स लाइक दिस। सो अगर हम इसका सबसे पहले हम इसके कंटेंट हमने चेकआउट कर लिया, लुक और डिज़ाइन की बात करें तो इसमें हमें मिल जाती है 12.4 इंच की डिस्प्ले, और इसका जो वेट आता है पूरा 627 ग्राम आपका वेट आ जाता है। पूरी जो डिस्प्ले है आपके फ्रंट डिस्प्ले है, ग्लास आपका फ्रंट मिलता है, और आपकी जो बैक है वो पूरी एल्यूमिनियम बैक है, और जो साइड का आपका फ्रेम आता है वो भी आपका एल्यूमिनियम फ्रेम आता है। और जो पूरा जो टैब है और साथ साथ जो ये आपका एस पेन साथ में आता है, ये दोनों IP68 रेटिंग है, मतलब ये जो डस्ट है और जो वाटर है दोनों से रेजिस्टेंट। आप इनको मतलब इस पर अगर थोड़ा बहुत पानी या थोड़ा बहुत आपका कुछ भी डस्ट लगेगा तो ये उसको मतलब इजीली सह लेगा, ठीक है। और बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगी सैमसंग की ब्रांडिंग, और नीचे मिल जाएगा आपको AKG की ब्रांडिंग। AKG की इसमें आपके ड्यूल स्पीकर लगे हुए हैं। वैसे जो आपका इसका अपर वेरियंट आता है, जो S9 के आपके काफ़ी वेरियंट आते हैं, S9 FE, S9 FE प्लस, और एक आ जाता है आपका S9 प्रॉपर और S9 अल्ट्रा। तो उसमें आपको जो स्पीकर हैं 4 स्पीकर मिलते हैं, बट जो S9 FE प्लस है आपका उसमें आपको ड्यूल स्पीकर मिलते हैं। स्पीकर काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको उनका स्पीकर टेस्ट भी दिखा दूंगा वीडियो के आगे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी आपकी इसके काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। अगर आप इसको मतलब कि छोटा मोटा कहीं से अगर गिर भी जाता है, छोटा मोटा इसमें कुछ लग भी जाता है कॉर्नर इसका, तो इतनी जल्दी इसमें इतनी ज़्यादा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। चलो बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले मैंने इसको ऑन कर लिया है, तो डिस्प्ले इसकी कुछ आपकी डिस्प्ले की अगर मैं इसकी सिंपल जैसे जो सारी चीज़ें हैं वो जो भी कंटेंट्स है जो भी आपकी वैल्यूज़ है वो सब मैं आपकी साइड में लिख दूंगा। बाकी हम अगर डिस्प्ले की बात करें तो IPS LCD की डिस्प्ले 90 हर्ज़ का ये जो फ्रेम रेट है वो सपोर्ट करती है। 84% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, और इतना एक आई थिंक एक टैब के लिए इतना जो रेशो होता है वो काफ़ी सफिशियंट होता है, क्योंकि इसको आपको साइड में से होल्ड भी करना होता है, तो होल्ड करने में भी ये ईजी है। लेकिन साइड में आप अगर इसको होल्ड करोगे या कुछ भी आप अपना नोट्स पढ़ रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो, साइड में आप उसको इजीली होल्ड कर सकते हो। सिंपल इस तरीके से 10 इसका जो स्क्रीन और बॉडी रेशो है वो आता है। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में इसमें अगर आप यहाँ पर मैं आपको चेकआउट कराऊँ, मैं आपको चेक करा देता हूँ। अगर आप इसको बात करें इसमें मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जो आपका इसमें सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड 13 पर बेस ही आता है, और एंड्रॉयड 14 का इसमें क्या आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा। और साथ साथ इसमें 1 UI 6 इस पर अभी सपोर्टेड है। साथ साथ इसमें एक्जोनोस 1380 इसमें क्या है, सैमसंग का जो प्रोसेसर है उसमें वर्क करता है, जो कि 5 नैनोमीटर की चिप पर वर्क करता है, ठीक है। पॉइंट जो है इसमें काफ़ी बड़ी बैटरी है, जो S9 FE आता है उससे बड़ी इसमें बैटरी आ जाती है। इसका जो मेन डिफरेंस है FE और FE प्लस में वो एक बैटरी का ही आता है। बैटरी इसमें आपको मिल जाएगी 10,000 AAH
एमएच की, जो कि 45 वोल्ट की जो चार्जिंग है उसको सपोर्ट करती है। यह आपका जाता है बैटरी से रिलेटेड। और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन इसमें आप इसमें एसडी कार्ड का स्लॉट आपका ये रहा, इसमें एसडी कार्ड आप लगा सकते हो। साथ साथ इसमें जो वेरिएंट आते हैं वो 128 GB और 6 GB आता है, साथ साथ आपका 128 8 GB वेरिएंट आता है, और साथ साथ आपका 256 और 12 GB वेरिएंट भी आता है। इसमें आपको काफ़ी वेरिएंट मिल जाएंगे, वाईफाई वर्जन मिल जाएगा, साथ साथ आपको 5G वर्जन भी मिल जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपके लिए वाईफाई बेस्ट है या आपके लिए वाईफाई वाला बेस्ट होगा या फिर आपके लिए 5G वाला वेरिएंट बेस्ट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं अपने एस पेन से रिलेटेड। तो एस पेन ये बहुत ही नॉमिनल सा, मतलब सिंपल सा एस पेन आपका आता है। यहां पर आपको सिंपल वन बटन देखने को मिल जाएगा और सिंपल सा ये, अगर हम बात करें इसको, मैं आपको यूज़ करके दिखाऊं। बस को यूज़ किया, काफ़ी इसमें नोट्स भी बनाए हैं, मैं आपको आपके सामने दिखा देता हूं। तो एस पेन जो है वो आपका मतलब इसमें काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। अगर इसमें आप बात करें एस पेन की तो बहुत, और जो पाल्म रिएक्शन है वो भी इसमें, पाल्म जो रिजेक्शन है वो भी इसमें आपको देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से ये क्या करता है, आपका वर्क करता है जो कि एस पेन। बाकी इसमें जो ये एस पेन है, एस पेन प्रो भी ये जो टैब है एफ ई प्लस ये सपोर्ट करता है। आप उसको अलग से बाय कर सकते हैं सैमसंग की वेबसाइट से, कहाँ से भी आपको मिल सकता है, स्टाइलस जो बोलते हैं उसको भी आप बाय कर सकते हैं। ये सब कुछ आपका रिलेटेड आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 एफ ई प्लस से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके कैमरा से रिलेटेड। तो पीछे आपको मिल जाएंगे ड्यूल कैमरा, जो कि आपका 8 MP + 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो कि काफ़ी अच्छी आपको फोटो लेता है। और साथ साथ इसमें आपको क्या मिल जाएगा, फ्रंट में कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट जो आपका कैमरा है वो आपका 12 MP का कैमरा है, जो कि आपका काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग और काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी कर लेता है। मतलब कि जो टैब्स में जो कैमरा होते हैं वो बेसिकली आपका फ्रंट कैमरा ही मेन यूज़ में होता है, क्योंकि अगर आपको वीडियो कॉल करनी है या फिर आपको कोई भी वीडियो बनानी है टैब में, ज़्यादातर आपका जो फ्रंट कैमरा है वही आपका यूज़ में आता है। बाकी इसका बैक कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, आप इससे नोट्स की जो फोटो है वो और जो वीडियोज़ है वो बिल्कुल अच्छे से क्लिक कर सकते हो। ये सब कुछ आ जाता है रिलेटेड टू आपका सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE+। डेट्स आर अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। जो आपका इन हैंड फील है जो आपकी टैब की, वो काफ़ी अच्छी है। और सबसे मतलब कि जो मेन कन्फ्यूजन होता है टैब के बारे में, उसके साइज़ का कन्फ्यूजन होता है। तो साइज़ इसका जो टैब का साइज़ है वो काफ़ी, जो नॉर्मल टैब्स आपके मार्केट में उन टैब से इसका काफ़ी बड़ा साइज़ आ जाता है। 12.4 इंच का जो उसका साइज़ है, आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो। नंबर में क्या जाना, मैं आपको इन हैंड जो रियल फील है वो बताता हूँ। ये मेरा जो हैंड है वो आपका वो देख सकते हो, इसमें जो मेरे 3 हैंड्स है वो पूरे कवर हो जाते हैं। और अगर आप इस पर गेमिंग भी करते हो तो मतलब आपको काफ़ी लगेगा कि आपने कोई काफ़ी बड़ी चीज़ मतलब पकड़ी हुई है। और मतलब कि इसका इसके साइज़ के हिसाब से इसका अगर वेट देखा जाए तो वो भी मतलब कि नॉर्मल, एक ज़्यादा वेट मतलब इसमें नहीं है। और साथ साथ मतलब जो उसमें मतलब कि आपको मतलब ऐसे पकड़ने में भी इसको ऐसा फील नहीं होगा ज़्यादा टाइम तक। अगर आप इसको यूज़ करोगे सामने ऐसे पकड़ के रखोगे तो आपको मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम भी होने वाली नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं ये जो टैब है ये किन पर्सन को, मतलब कि किन स्टूडेंट ऑफिशियल है किसी को भी, मतलब कि किस पर्सन को ये बाय करना चाहिए। तो जो उसका जो टैब का साइज़ है, सबसे बड़ा जो उसका मतलब कि मेन पॉइंट है, जो उसका प्रो भी है और जो उसका कोन भी है, वो उसका साइज़ आ जाता है। देखो अगर आपका जो अगर आप एक स्टूडेंट हो, मतलब आप एक इस कैटेगरी में आते हो कि इस पे आपको सिर्फ जो टैब है वो आप अपना कंटेंट वॉचिंग के लिए ले रहे हो, आपको सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखनी है और सिंपल आपके जो नोट्स हैं वो बनाने हैं, सिंपल अपना नोट मेकिंग का काम करना है, कुछ अपना ड्राइंग का काम करना है, या फिर आपको क्या है यूट्यूब पर वीडियो, नेटफ्लिक्स या मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वीडियोज़ देखनी है, फन करना है, इस तरीके के अगर इस पर्पज के लिए अगर आप टैब ले रहे हो तो मतलब ये आपके लिए इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और मतलब इसको आप ऐसे पकड़ के रखोगे और मतलब ऐसे साथ लेके चलोगे, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसको कहीं पर ट्रैवल करना भी इसके आप साथ में मतलब क्या बन जाती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो सिर्फ अगर आप कंटेंट वॉचिंग के लिए ले रहे हो और सिर्फ नोट्स आपको बनाने, तो ये टैब मतलब इसका जो लोअर वेरियंट है FE वाले पर आप जा सकते हो, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा आ जाता है। बट अगर आप क्या है एक ऑनलाइन टीचर हो, एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आपको वीडियो भी देखनी है साथ साथ आपको नोट्स बनाने, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना है, फॉर एग्जांपल आप YouTube वीडियोस बनाते हो या फिर आप कंटेंट राइटिंग करते हो या फिर मतलब कुछ एक्स्ट्रा कैलिकुलर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हो एक नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग से और नॉर्मल नोट्स बनाने से, तो मतलब थोड़ा अपग्रेड अगर करना चाहते हो मतलब कि उस एक नॉर्मल लेवल से, तो ये टैब आपके लिए हो सकता है। मतलब आप ऐसे मतलब एक वर्कर हो या एक स्टूडेंट हो जिसको सिर्फ कंटेंट वॉचिंग और नोट्स नहीं बनाने, साथ में कुछ YouTube के लिए भी काम करना है, कंटेंट राइटिंग करनी है या फिर कुछ वैसा काम करना है, तो उसके लिए टैब आ जाते हैं, क्योंकि इसका साइज़ जो है स्क्रीन का साइज़ वो आपको दो अगर आप डिस्प्ले मतलब कि साथ में चलाओगे तो काफ़ी मतलब आपके लिए यूज़फुल भी होगा, साथ साथ मतलब कि
इसका जो साइज है और जो इसका मतलब प्रोसेसर है वो आपकी जो भी नॉर्मली डे टू डे वर्क लाइफ होगा, मतलब कि जो आप इसमें काम करोगे वो उसमें आसानी से काम आ जाएगा। सबसे बड़ा जो इसमें पंगा है ना, उसका साइज का ही है। मैंने आपको बता दिया, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में लाए करते हो तो आप इसके लोअर वेरियंट पर जा सकते हो, उसमें सेम स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगे, बस आपको साइज छोटा मिल जाएगा। अगर आपको नॉर्मल जो कंटेंट वॉचिंग है और जो आपका जो मतलब नोट मेकिंग का काम है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड डालना है, वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना है, तो ये टैब आप अपना क्या कर सकते हो, सिंपली बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं प्राइसिंग से रिलेटेड। देखो प्राइसिंग में अगर आप इसको मार्केट में जाके लेना चाहोगे, सैमसंग के स्टोर से लेना चाहोगे, तो ये आपको 45K प्लस पड़ने वाला है अगर आप सैमसंग के स्टोर से लेके लेना चाहोगे। वहां से मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप सैमसंग जो शॉप है वहां पर जा सकते हो, इसको इन हैंड फील कर सकते हो, वहां पर आप इसको देख सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन आप वहां से बाय मत करना क्योंकि वहां पर आपको कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा, वहां पर आपको कोई भी डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपकी कुछ बात है तो आप वहां से जगह जाके मतलब बात कर सकते हो। बात करते हैं इसकी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जैसे Amazon, Flipkart, वहां पर भी इसकी जो प्राइसिंग है वो 40K प्लस ही रहती है। वहां पर भी कभी कभी आप जो ऑफर आ जाते हैं वहां पर इसकी प्राइसिंग कम हो जाती है, तो 40K से नीचे ये वाला जो टैब है ये आपको मिलना बहुत मुश्किल आ जाता है। बट इसकी जो बेस्ट प्राइसिंग आ जाती है वो 40K से नीचे ही आती है, मतलब इसको 40K से आप ऊपर बिल्कुल भी बाय मत करना क्योंकि इस पे जो सैमसंग के जो टैब है वहां पर सबसे पहले आप स्टूडेंट ऑफर लगा सकते हो, मीन्स स्टूडेंट आईडी और जो कॉर्पोरेट आईडी है वो आप यूज करके इसको कम से कम मतलब 35K के अंडर भी आप इसको क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। आप कोशिश करना किसी स्टूडेंट आईडी या फिर कॉर्पोरेट आईडी से आप इसको बाय करना, साथ साथ जो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पर जो सेल्स आती है उनका वेट करना, उन्हीं जो सेल्स है उसमें इसको बाय करना, वहां पर आपको ये 30K के अराउंड भी मिल जाएगा। जो उसकी बेस्ट प्राइसिंग आ जाती है वो 30 से लेके 35K के बीच में आ जाती है। अगर आप उस इनके इस रेंज में इसको बाय करते हो तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। बाकी अगर आपका मतलब कि जिस भी तरीके का मन है, जिस भी तरीके का काम है, उस हिसाब से आप अपना मतलब कि इसको बाय कर सकते हो। बाकी मैंने इसका जो भी एक बेस्ट प्राइस होता है वो मैंने आपको बता दिया। मेनली तो ये व्लॉग चैनल है तो आप व्लॉग देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Take care and bye bye.